बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ जी आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको दोबारा से इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे हाईवे के बारे में अपडेट किया जाएगा और आज की वीडियो को दोबारा से जो है 5.5 किलोमीटर का पोर्शन आपको दिखाया जाएगा। काक पुल से लेकर PWD रेलवे लाइन पर जो पुल है उस तक सारा पोर्शन इंशाल्लाह आपको दिखाया जाएगा। अभी ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है काक पुल इंटरचेंज जो दोबारा से बन रहा है, यहाँ पर ये रास्ता अभी जो नई लूप्स बनाई गई हैं रवात साइड से कोहोटा की तरफ एग्ज़िट के लिए या फिर कोहोटा से इस्लामाबाद शहर की तरफ जाने के लिए, तो इस पर अभी काम की स्पीड काफ़ी तेज़ कर दी गई है। यहाँ पर साइड पर जो दीवारें बनाई जानी थी उन पर भी काम काफ़ी तेज़ है और अभी अर्जी रास्ता यहाँ से निकाला जा चुका है। पहले काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ट्रक वगैरह डेली फंस जाते थे और काफ़ी ट्रैफिक के लिए मसला था, लेकिन अभी यह है कि यहाँ पर काफ़ी बेहतरी आई है। साथ साथ ड्रेनें भी बन रही हैं और बाकी अर्थवर्क भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और ऊपर रोड का जो बाकी क्रश वगैरह डाल के उसको प्रेस किया जा रहा है। अभी यहाँ से ये टर्न लेके हम मेन एक्सप्रेसवे के ऊपर चले जाएंगे। टी चौक का जो पोर्शन है एक्सप्रेसवे का वो फ़िलहाल उसी तरह से ख़राब ही है। 500 मीटर का तकरीबन जो पैच है उसका इसी वजह से ख़राब है कि पहले जब वर्किंग शुरू हुई थी तो वो छोड़ दिया गया था कि वहाँ पर जो इंटरचेंज बनेगा उसकी कोई लूप्स वगैरह अभी बननी है और वो इसी वजह से तकरीबन 500 मीटर तक का एरिया जो है वो लूप्स होती हैं उसको इस वजह से छोड़ दिया गया था, लेकिन अभी कोई इस उसको भी क्लियर करने की ज़रूरत है। पिछली एक वीडियो में मैंने उसके बारे में भी बात की थी और आपको टी चौक का एरिया भी दिखाया था। अभी यहाँ पर एक्सप्रेस वे पर वर्किंग हर तरफ आपको काफ़ी स्पीड से नज़र आएगी आज की वीडियो में, क्योंकि आगे अगस्त में सुनने में आ रहा है कि CDA के जो चेयरमैन हैं उन्होंने ये डेडलाइन नहीं दी है कि अगस्त में इसका इफ्तिताह जो है हो जाना चाहिए। पहले सितंबर तक डेडलाइन थी, सितंबर अक्टूबर में इसका इफ्तिताह होना था, लेकिन अभी दोबारा से जो डेडलाइन आई है वो यही डेडलाइन है कि इसको फॉर्म को जो है अभी पाया तक मिलता पहुँचा दिया जाए ताकि यहाँ पर जो मसले मसाइल ट्रैफिक है वो ख़त्म हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वर्किंग जो है अब लटक चुकी है। पहले मार्च 2024 में इसका इफ्तिताह होना था, लेकिन अभी सितंबर में दोबारा से डेडलाइन हुई थी, लेकिन अभी दोबारा से एक माह कम करके अगस्त में इसको मुकम्मल करने की डेडलाइन मिली है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये जो मशीन जो है लगी हुई है रोड उखाड़ी जा रही है, इसको दोबारा से स्पार्ट किया जाएगा। बाकी ये जो पुराना पुल है इस्लामाबाद से रवात की तरफ आते हुए वो भी बंद कर दिया गया है, नया पुल ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है 2-3 दिन पहले। सारी की सारी ट्रैफिक अभी नए पुल के ऊपर है जो कि खन्ना पुल से इस्लामाबाद के रवात की तरफ अगर आप आएँ। बाकी ये जो रवात से इस्लामाबाद शहर की तरफ ट्रैफिक जा रही है खन्ना पुल की तरफ, तो वो सारी ट्रैफिक अभी पुराने पुल के ऊपर है। दूसरा पुल भी तकरीबन तैयार हो चुका है, अभी 2 से 3 दिन में वो भी ओपन हो जाएगा। अभी इसके ऊपर जगह जगह आप पे आपको मिट्टी के ढेर भी नज़र आ रहे हैं। इंशाल्लाह ये सारा एरिया क्लीन करके दोबारा से पुल के ऊपर से एस्फाल्ट भी हटाई जाएगी और इसको दोबारा एस्फाल्ट किया जाएगा, क्योंकि जगह जगह पर गड्ढे पड़े हुए हैं और यहाँ पर जो एक्सपेंशन जॉइंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, तो अभी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मेंटेनेंस की ज़रूरत है और काम अभी काफ़ी ज़्यादा रहता है। काक पुल का जो पोर्शन है तकरीबन क्लियर हो चुका है एक्सप्रेसवे के ऊपर वाला हिस्सा, बाकी इंटरचेंजेस पे जो लूप्स हैं वो वर्किंग रहती है, इंशाल्लाह वो भी कुछ दिन तक क्लियर हो जाएगी, लेकिन अगस्त में जो इफ्तिताह इसका होना है अभी देखते हैं आगे चल के कि वो हो पाएगा या नहीं, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा काम रहता है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अभी FWO ने और CDA ने ज़ोर दिया हुआ है कि जल्द से जल्द इसको मुकम्मल कर दिया जाए। मेन जो पुल यहाँ पर रहता है वो पंडर पुल है एक्सप्रेसवे का, उस पर अभी काफ़ी ज़्यादा काम रहता है, वो भी आगे चल के देखते हैं। इसके अलावा जो जवान रोड अंडरपास के एरिया वो भी तकरीबन काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है और मज़ीद जो उसकी आगे सर्विस रोड है उस पर काम होता रहेगा, साथ साथ फिनिशिंग भी होती रहेगी, लेकिन ये है कि अल्लाह करे अगले महीने तक मेन जो इस दुरूपुर एक्सप्रेस वे है जहाँ पर ज़्यादा परेशानी बनी हुई है ये पोर्शन क्लियर हो जाए ताकि आवाम की मुश्किल कम हो सकें। लेफ़्ट साइड के ऊपर सारा का सारा रिवर गार्डन का एरिया और यहाँ पर भी ये कुछ प्लांट वगैरह लगे हुए हैं जो ये जो गैड़ा सड़क के ऊपर डाला जाता है इसको छाना जा रहा है और बाकी भी क्रश वाला सिस्टम वगैरह सारा इधर ही है। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में ने भी अपने कैंप्स जो है इसी साइड पे लगाए हुए हैं। बाकी आगे चल के आपको बाएं हाथ पे मशीनरी नज़र आ रही होगी, ये पोर्शन एस्फाल्ट कर दिया गया जापान रोड वाला, यहाँ पर ये जो लूप्स हैं तो अभी मशीनरी यहाँ पर खड़ी है, इंशाल्लाह 1-2 दिन तक ये दूसरी साइड पर मूव करेगी और जो एस्फाल्ट भी रहता है वो भी क्लियर कर दिया जाएगा। ये जो राउंड अबाउट है ये भी क्लियर हो चुका है और बाकी सर्विस रोड के ऊपर अभी अर्थ फर्क हो रहा है रिवर गार्डन के बिल्कुल बाहर वाले पोर्शन में, तो यहाँ पर काफ़ी तेज़ी के साथ अभी काम चल रहे हैं। तो उम्मीद यही की जा रही है कि कोई तकरीबन 1 माह के अंदर अंदर इसको भी इंशाल्लाह निपटा दिया जाएगा। बाकी जो अंडरपास वाला कलवट वाला हिस्सा है उसके ऊपर भी अभी अर्थ फर्क रहता है काफ़ी सारा, वो भी इंशाल्लाह क्लियर किया जाएगा।
बाकी वहाँ पर ड्रेन वगैरह क्लियर हो चुकी है और बाकी अर्थ वर्क करके ऊपर अभी रोड का जो हिस्सा होता है क्रश डाल के जिसको प्रेस किया जाता है वो इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर सामने भी आप देख सकते हैं ये अंडरपास का एरिया आ चुका है, अंदर वाला पोर्शन सारा कंप्लीट है लेकिन मिड में ये जो ड्रेन और साथ में ये आगे एरिया है यहाँ पर अर्थ वर्क भी होना बाकी है। यहाँ पर वर्किंग थोड़ी सी स्लो चल रही है लेकिन अलग ये भी तेज़ हो और आगे जब इफ्तिताह हो इसका तो ये भी साथ क्लियर हो जाए। अब यहाँ से जो जापान रोड से ट्रैफिक आएगी वो इसी लूप के थ्रू एग्ज़िट हो जाएगी आगे खाना पुल की तरफ और रिवर गार्डन की तरफ जाने के लिए आगे सर्विस रोड भी दी गई है, सुहा गार्डन की तरफ भी वही चली जाएगी। अभी यहाँ पर आगे चल के बैरियर पे भी काम हो रहा है और मेन जो स्टॉप बनाए जा रहे हैं बस स्टॉप उनके ऊपर भी काम चल रहा है। आगे फ्यूचर में यहाँ पर बसेस भी चलाई जानी है, सीडीए की तरफ से इलेक्ट्रिक बसेस चलेंगी जब टी चौक से एपीएमएस तक, तो फिर काफ़ी ज़्यादा सहूलत भी हो जाएगी। तो अलग रहे उनका इफ्तिताह भी यहाँ पर हो जाए जल्द से जल्द, वैसे तो अलग सा एक जो है होना है उसका लेकिन अलग रहे इसके साथ ही उसको भी अगर ओपन कर दिया जाए, वैसे तो उसका एक आध जो मेन ऑफिस होगा वो टी चौक में भी बनेगा जहाँ से टिकट्स वगैरह या जो भी हिसाब किताब उसका होता है वो होगा, लेकिन यहाँ पर अलग रहे जल्द ही उसका भी इफ्तिताह कर दिया जाए ताकि ये जो लोकल ट्रांसपोर्ट की बदमाशियाँ हैं वो थोड़ी सी कम हो सकें। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लोगों को परेशानी होती है लोकल ट्रांसपोर्ट की वजह से, तो किराया भी जिस बंदे को पता नहीं होता अगर 50 किराया है तो उससे 80-90-70 जितना भी मतलब इनकी मनमानी से ले लिया जाता है। बाकी यहाँ पर ये जो ग्रीन बेल्ट है इसके ऊपर भी काम काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। यहाँ पर अभी कार्ड ब्लॉक्स आपके सामने जो है वो लगाए जा रहे हैं, ग्रीनरी वाला पोर्शन भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द ही क्लियर होगा। अभी जो काम की स्पीड नज़र आ रही है उससे यही लग रहा है कि एक महीने में अगर ये मुकम्मल ना भी हो सका तो आगे चल के बस फिनिशिंग वाला काम रह जाएगा, बाकी तकरीबन सारा काम मुकम्मल हो ही जाएगा। रोड के दोनों तरफ इसी तरह से आपको वर्किंग नज़र आएगी। मेन जो पोर्शन रहते हैं वो सिर्फ तीन ही हैं, एक तो काकपुल इंटरचेंज, इसके अलावा ये जो बंडर पुल है, तीसरे नंबर पर जापान रोड अंडरपास वाला एरिया, बाकी आगे PWD वाला पुल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, 90% उसकी वर्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी नेवल इंकरेज का इंटरचेंज जो है वो आ चुका है, तो इसकी जो इंट्रेंस और एग्जिट साइड है इसके ऊपर भी काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है साइडों के ऊपर। आगे आ चुका है जी बंडर पुल, इसके ऊपर गार्डर लॉन्चिंग का काम अभी चल रहा है, तो अभी मिड वाला जो इसका पोर्शन है दो स्पान है उसके ऊपर तकरीबन 8 गार्डर्स अभी लॉन्च होना बाकी रहते हैं और दूसरा स्पान भी इसका एक रहता है, मतलब दो स्पान है टोटल, तो टोटल उस हिसाब से 16 गार्डर्स अभी लॉन्च किए जाएंगे इसके। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ये सामने आप देख सकते हैं मशीनरी जो है वर्किंग कर रही है और लेबर भी काफ़ी तादाद में यहाँ पर वर्किंग कर रही है। जो गार्डर्स लॉन्च किए जा चुके हैं इनके ऊपर जो इसके लेंटर है वो तकरीबन मुकम्मल डल चुका है, लेंटर डलने के बाद अभी इसके ऊपर बैरियर जो बनाया जाना है साइडों के ऊपर उसके ऊपर भी काम आहिस्ता स्टार्ट हो चुका है। मज़ीद जो मिड का ये पोर्शन में 8 गार्डर्स अभी लगेंगे इस स्पान के ऊपर और ये दूसरा स्पान आपको नज़र आ रहा है तो इसके ऊपर भी काम होना बाकी है, एक गार्डर लॉन्च किया जा चुका है, मज़ीद यहाँ पर कम से कम 15 गार्डर्स लॉन्च किए जाएंगे दोनों स्पान के ऊपर, तो उस पर अभी ये काम चल रहा है। मिड के पोर्शन में गार्डर्स लॉन्च करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहे हैं लेकिन यह है कि इंशाल्लाह जल्दी ये भी क्लियर कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर डे नाइट वर्किंग अभी हो रही है इस पुल के ऊपर, तो जल्द से जल्द इस पुल को अभी इन्होंने क्लियर करना है ताकि सारी ट्रैफिक जो कि काक पुल से खन्ना पुल की तरफ मूव कर रही है वो उस पुल के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। टोटल वो 4 लेन पुल होगा। बाकी ये जो पुल अभी आपको नज़र आ रहा है इसमें बिट के पोर्शन में जो बैरियर आपको नज़र आ रहा है इसको रिमूव करके इन दोनों पुलों को आपस में जोड़ दिया जाएगा, बाकी इस पुल के ऊपर से भी एसफाल्ट अभी दोबारा से रिमूव होगी और दोबारा से एसफाल्ट करके तो ये पुल 4 लेन हो जाएगा और खन्ना पुल से काक पुल की तरफ जाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। अभी सुहाग गार्डन के बिल्कुल बाहर वाले पोर्शन में मैं पहुंच चुका हूं जबकि दूसरी तरफ जिनाक गार्डन है, जिनाक गार्डन वाली साइड पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है लोगों को इंट्रेंस और एग्ज़िट के लिए जबकि सुहाग गार्डन वाली साइड पे सर्विस रोड होने की वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा सहूलत है। तो यहाँ पर मुतलका महकमा से यही गुजारिश है कि यहाँ पर भी अगर सर्विस रोड दे दी जाए तो इमारत और आगे चल के जितने भी एरिया आ जाते हैं जिनाह गार्डन के इनको काफ़ी ज़्यादा सहूलत हो जाएगी। अभी यहाँ पर भी बस स्टॉप बनाए जा चुके हैं लेकिन फ़िलहाल जो यहाँ पर पुल बनने हैं पेडेस्ट्रियन ब्रिज
वो फ़िलहाल शुरू नहीं किए जा सके। उनकी पाइलिंग वगैरह तो क्लियर हो चुकी थी लेकिन बाकी उसका जो काम है वो अभी रहता है, तो इंशाल्लाह जल्द यहाँ पर पुल भी शुरू कर दिए जाएंगे और कराल चौक से लेकर रवात तक तकरीबन कम से कम भी कोई 10 एक पुल तो बनेंगे, क्योंकि इस एरिया में आबादी काफ़ी ज़्यादा है और इनको एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में काफ़ी मुश्किल पेश आती है। अभी ये भाई साहब को आप देख सकते हैं किस तरह से फास्ट ट्रैक से एकदम ये दूसरी साइड पे जाने की कोशिश कर रहे हैं PWD अंडरपास की तरफ। तो जो लोग इस तरह से अगर जिन्होंने जाना होता है दूसरी साइड के ऊपर एकदम से फास्ट लेन से जो है अपना कोशिश किया करें जाने की, पहले से ही अपनी गाड़ी को जो है लेफ़्ट साइड पर रखने की कोशिश करें ताकि बाकी गाड़ियाँ जो हादसे का शिकार ना हो सकें। तो एक बंदे की गलती की वजह से कई लोग जो है अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। अभी ये जापान रोड सॉरी PWD अंडरपास का एरिया है, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा सड़क ख़राब है लेकिन ये है कि चलने के काबिल है और ट्रैफिक का रश बिल्कुल भी नहीं बनता। PWD रेलवे लाइन के ऊपर जो पुल है इस पर काम अभी काफ़ी तेज़ चल रहा है, तो यहाँ पर तकरीबन 500 मीटर के करीब एरिया बनता है जहाँ पर अभी एसफाल्ट और कंक्रीट होना बाकी है, तो उसके लिए यहाँ पर अर्थवर्क क्लियर हो चुका है और ऊपर अभी क्रश वगैरह डाल के इसको कम्पैक्ट किया जा रहा है, तो इंशाल्लाह यहाँ पर भी ये जल्दी क्लियर हो जाएगा और साथ में यहाँ से जो PWD की एंट्रेंस है वो भी साथ दे दी जाएगी। तो आगे चल के पुल का जो पोर्शन है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके ऊपर बैरियर वगैरह बन चुका है, तकरीबन 90% काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि पुल की दूसरी साइड पर भी अभी अर्थवर्क रहता है, वो भी इंशाल्लाह इसी हफ्ते के अंदर अंदर ही उम्मीद है कि क्लियर कर दिया जाएगा, अगले हफ्ते तक तकरीबन ये वाला पोर्शन क्लियर हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी एसफाल्ट और कंक्रीट लैंड डाल के इसको मुकम्मल तौर पे ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। बाकी उम्मीद नज़र आ रही है कि जिस तरह से वर्किंग अभी स्पीड में चल रही है कि अगस्त तक जो है इसको इंशाल्लाह मुकम्मल कर दिया जाएगा। तो आज की वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, उस टाइम तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।